हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप बच्चों? लास्ट लेक्चर्स जो अपने हुए हैं बेटे, लास्ट के दो लेक्चर, वहाँ हमने बात की है एसएन वन और एसएन टू के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे दोनों। आई होप कि बेटे आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, दी एसएन वन और एसएन टू में जो मेन जो डिफरेंस था बेटे, वो सभी को ध्यान होगा। एसएन वन में हमने क्या किया था, एसएन टू में क्या था, ये बेटे आपकी दो स्टेप में थी, ये आपकी सिंगल स्टेप में थी। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो, फिर जरूरत पड़ेगी इसकी। यहां पर बेटे पार्शियल रेसिमाइजेशन थी और यहां पर क्या थी, इन्वर्जन थी। हेयर जो रिएक्टिविटी है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कारोटेन। ठीक है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल था, कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल को कहां से अटैक करना था, बैक साइड से अटैक करना था। ठीक है, यहां सॉल्वेंट की यदि हम बात करें तो सॉल्वेंट यहां पर क्या लिया था आपने, पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, और यहां पर बेटे पॉलर ए प्रोटिक। तो ये एक थोड़ा सा जो मैंने मेजर डिफरेंस बताया है बेटे, ये आपकी यूनिमोलिकुलर थी, ये आपकी बायोमोलिकुलर थी। यहां न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था बेटे, और यहां न्यूक्लियोफाइल का रोल था। तो ये कुछ डिफरेंस थे। अब आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं बेटे, वैसे ही कॉम्पिटिशन में इससे बेटे क्वेश्चन आपके कम ही आते हैं, फिर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और शॉर्ट में हम इसको एनजीपी भी बोलते हैं, या एंकीमेरिक असिस्टेंस। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब यहां पर क्या है, देखो बेटे ये केस है, तो ये केस किसी का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही केस है, समझ रहे ना। ये जो हम केस ले रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही केस है बेटे। ठीक है, पर मेनली लिखा क्यों है कि हमने ये नेबरिंग ग्रुप, इसका मतलब ये है बेटे कि जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, या यूं समझ लीजिए सब्स्ट्रेट जो है, सब्स्ट्रेट समझते हैं क्या होते हैं, सब्स्ट्रेट दैट इज जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद कीजिए सबसे पहले लेक्चर में हमने बात की थी इसकी, जीओसी के अंदर, है ना। तो सब्स्ट्रेट क्या है बेटे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब तक एसएन वन में और एसएन टू में क्या किया था, मेरे पास सब्स्ट्रेट था प्लस न्यूक्लियोफाइल था, चाहे आपका वो एसएन वन हो चाहे आपका वो एसएन टू। मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अलग अलग थे, हैं यहां पे अलग अलग, पर डिफरेंस क्या है एसएन वन और एसएन टू में, इन रिएक्शंस में। यहां बेटे खुद सब्स्ट्रेट के पास ही एक न्यूक्लियोफाइल है, यहां दो न्यूक्लियोफाइल, एक तो सब्स्ट्रेट के पास खुद है और प्लस में एक मेरे पास, इसको नाम दे रहा हूं मैं एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, और इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। ये जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है बेटे, ये सब्स्ट्रेट के पास ही जुड़ा हुआ है, और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अलग चीज है। यहां अब तक एसएन वन में और एसएन टू में ऐसा नहीं था, वहां सिर्फ आपने क्या किया था, सब्स्ट्रेट लिया था और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था बस। तो यहां पर बेटे न्यूक्लियोफाइल आपके दो हैं, ये सबसे मेन पॉइंट आपको ये समझना है। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? चलिए लेट अस टेक एग्जांपल, मैं लेता हूं। तो एनजीपी नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप का क्या मतलब हुआ बेटे, कि जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए बेटे ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये मैंने सब्स्ट्रेट मान लिया, और प्लस ये मेरा वाई है बेटे, दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये क्या बेटे लिविंग ग्रुप, और ये क्या बेटा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। बस समझ लेना है ध्यान से, बड़ा आसान है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनता है बेटे, इसमें यहां Y और X नेगेटिव बाहर, ये है प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, ओवरऑल यदि आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो रही है बेटे, एग्जैक्ट
उसी साइड ये वाई जाकर लगा हुआ है, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलोगे इसको? रिटेंशन। एस एन वन में क्या था बेटे? पार्शियल रेसिमाइजेशन। एस एन टू में क्या था? इनवर्जन। यहां क्या आ गई? एक नई रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जो कॉन्फिगरेशन इसकी है पहले, वही इसकी रहेगी प्रोडक्ट में, इसलिए क्या बोलोगे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एक्चुअली होता क्या है यहां पर बेटे? इसी का पहली बात देखो, ये जेड मैंने बोला इंटरन्यूक्लियोफाइल, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? नेबरिंग ग्रुप, पड़ोस में है ये ग्रुप। किसके पड़ोस में? सी एक्स के पड़ोस में है, इसलिए क्या बोल दिया? नेबरिंग ग्रुप। पार्टिसिपेशन क्यों बोल रहे हैं? ये आपका रोल प्ले करेगा किसके अंदर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज व्हाट? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्लियर हुआ? एंकीमेरिक जो असिस्टेंस जो हमने लिखा है बेटे, इसका मतलब यही सेम। एंकी नेबर, मर्स पार्ट्स, नेबर में कोई पार्ट्स है, असिस्टेंस हेल्प करना। ऐसे नहीं बोलते भाई ये मेरा असिस्टेंट है। असिस्टेंट कौन कौन होता है? जो हेल्प करता है। तो एंकीमेरिक असिस्टेंस का मीनिंग सेम है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिशन का मतलब भी सेम है। बढ़े आगे, यहां होने क्या जा रहा है? ये क्लियर हुआ आपको? कि हमारे पास सबट्रेट में कोई इंटरन्यूक्लियोफाइल है, पहले वो रोल प्ले करेगा तब जाकर आपकी रिएक्शन होती है। अब हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले क्या होगा बेटे? ये जो मेरे पास एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो आपने यहां लिखा हुआ है, जिसको इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, या जिसको आप नेबरिंग ग्रुप का नाम दे रहे हो, ठीक है, इसके पास कंडीशन होनी चाहिए क्या हो बेटे? लोन पेयर। क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। अब क्या होगा? ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा इधर, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव था, यहां चार्ज है, तो तुरंत ये एक्स नेगेटिव बाहर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब आप ये कहेंगे कि सर वाई नेगेटिव ने अटैक क्यों नहीं किया? क्वेश्चन तो ठीक है, वाई नेगेटिव को बाहर से जरूरत है आने की, यहां इस मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल पड़ा है। बोलो मेरी बात समझ आई या नहीं आई? एक तो कोलाइड करने की जरूरत पड़े, बाहर से मॉलिक्यूल आए, दो मॉलिक्यूल आए, क्या होता है बेटे रिएक्शंस के दौरान? भाई यहां से वाई आ रहा है, इधर से आपका सबट्रेट है, नजदीक आना पड़ेगा उनको अटैक करने के लिए, आना पड़ेगा, टाइम तो लग गया। यहां यही इसके नजदीक पड़ा है, यही अटैक कर देगा इसके ऊपर। भाई किसी की हेल्प सबसे जल्दी, आप रह रहे हो कहीं भी, कौन करता है? आपका पड़ोसी, नेबर। मानते हो या नहीं मेरी बात? भाई एक को तो मैं बुलाऊ 2 किलोमीटर से फोन करके, भाई आ जाए मुझे, मेरे को तेरी जरूरत है, साथ में आपका पड़ोसी हेल्प कौन करेगा? तो उसने आपकी हेल्प ज्यादा की ना, रेट बढ़ा दिया ना आपका। ऐसे ही बेटे ये जो ग्रुप है ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। क्यों? समझ में आ गया क्यों? यहां तो न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगी, यहां पर अपने आप ही अटैक हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे लिविंग ग्रुप बाहर निकालना है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने में इसने हेल्प कर दी, रेट क्या होगी? फास्ट होगी। नहीं आया समझ में? क्लियर है एवरीथिंग? चलो अब क्या होगा बेटे? इसने अटैक किया, बाहर गया, नाउ इट विल फॉर्म अ साइक्लिक कैटायन। देखो क्या एक साइक्लिक कैटायन नहीं बन गया बेटे? यहां पर चार्ज पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से देखिए, इसने अटैक किया है बैक साइड से। कहां से अटैक किया है? बैक साइड से। तो ये रिएक्शन क्या मानी जाएगी? फर्स्ट एसएन टू। अब यहां पर क्या हो जाएगी कॉन्फिगरेशन? इनवर्जन। मान लो यहां पर R थी तो यहां पर S। क्लियर हुआ है? अब कौन आएगा नेक्स्ट स्टेप में? अब Y नेगेटिव आएगा, आ चुका है भाई वो, अब वो भी अपना रोल प्ले करेगा, वो आएगा और कहां से अटैक करेगा? इधर अटैक किया और ये बॉन्ड वापस, इसका पॉजिटिव चार्ज
खत्म। तो बॉन्ड ये लो बेटा, सीधा ही दिखा दिया मैंने। आरथी एस बन चुकी है, अब एक बार और इनवर्जन होगी, बोलो एस का क्या बनेगा, आर बनेगा। आर से क्या रही, तो क्या हुआ, आया समझ में? यानी बेटे इस प्रोसेस में दो एसेंटू प्रोसेस रोल प्ले करती हैं, दो स्टेप में, ठीक है ना। ये पहला स्टेप आपका थोड़ा स्लो स्टेप है और ये स्टेप क्या बेटे फास्ट है। यहां मैंने ये थ्री मेंबर्ड रिंग बनाई है, ये बेटे आपकी थ्री मेंबर्ड हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, सिक्स हो सकती है, ज्यादा दूर ना हो निकले फाइल, ज्यादा दूर होगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी बेटे। क्लियर हुआ? बढ़ू आके ये स्टेप फास्ट क्यों है, एक मेरे पास साइक्लिक कैटायन बना है, स्ट्रेंड है, तो अब वाई नेगेटिव इजिली टेक कर पाएगा, स्टेप फास्ट हो जाएगा। तो ये है बेटा जनरल प्रोसेस आपकी किसकी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। बताओ कोई डाउट हो तो श्योर, ठीक है। तो क्या क्या होगा इस रिएक्शन में, यदि आपसे पूछें कि मेन पॉइंट्स क्या क्या बताएंगे, सबसे पहला बेटे नेबरिंग ग्रुप हाईली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इन प्रोडक्ट देर इज व्हाट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कितना दूर होना चाहिए ताकि वो थ्री मेंबर रिंग बना दे, फोर बना दे, या बेटा फाइव और सिक्स। यानी ये मेरा लिविंग ग्रुप है बेटा, ठीक है, देखते जाना। ओके, यहां जुड़ा हुआ, इधर इधर इधर, यहां जुड़ेगा तो बेटे ये मान लो यहां पर कोई जेड है तो थ्री मेंबर बन गया, यहां जुड़ जाएगा तो बेटे फोर मेंबर, यहां जुड़ा तो फाइव मेंबर, यहां जुड़ा है तो सिक्स मेंबर। क्लियर हुआ? श्योर? ओके, और क्या होगा बेटे, नेक्स्ट मेन पॉइंट, हाईली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन दिस वन, और नेबरिंग ग्रुप पर क्या होना चाहिए, लॉन पेयर होना चाहिए, ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे, वो तो कंडीशन है बेटे, क्या होना चाहिए बेटे, लॉन पेयर हो। जनरली पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, वो बताएंगे, पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये है बेटा आपकी मेन आपके चार पॉइंट्स, ठीक है। कोई डाउट किसी को? बड़े अब एग्जाम्पल से आपको सारे समझा देता हूं बेटा, ठीक है। आपको यह समझ में आ गया क्या कि रेट इंक्रीज क्यों हुआ, रिटेंशन क्यों हुई, साइक्लिक कैसे बनाएगा, लॉन पेयर होना चाहिए, सिर्फ ये रह गया, अब इसको करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है, आजू बेटे। हाँ, एक और मैं पॉइंट सोच रहा था, स्किप कर गया दिमाग से, ये फिफ्थ, जो नेबरिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है, ये बेटा एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। ये लास्ट पॉइंट, में ध्यान तो आ रहा था कि कोई पॉइंट स्किप हुआ है, ये है लास्ट पॉइंट आपका, कि नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप, ये बेटे आपका एंटी होना चाहिए। क्लियर है पांचों पॉइंट में? इसको भी बताते हैं मेन, ये तो सारा क्लियर हो गया होगा, पाई बोन का रह गया और ये एंटी क्यों होना चाहिए, ये करते हैं। ऑब्वियसली है, मैंने क्या बताया, दो एसन टू है, एसन टू में कहां से अटैक करता है, बैक साइड से, इसलिए क्या लिखा है, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना भाई। पहले स्टेप में भी उस नेबरिंग ग्रुप ने बैक साइड से अटैक किया था, बैक साइड से करेगा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो नेबरिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप आपको छोड़ के जा रहा है, वो दूसरे क्या है, एक दूसरे के एंटी है, ठीक है। अब प्रूफ देते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता है। चलिए बेटे, मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, इस कार्बन को मैंने स्टार बना दिया। स्टार बनाने का मतलब ये है कि मैं इसको लिख देता हूं C14 आइसोटॉप, और ये कौन सा है, C12, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने KOH के साथ। आप रिएक्शन में क्या करते थे कि Cl हटेगा, OH आ जाएगा,
करते हो ऐसे, ठीक है। ओके सी 14 सी 12 सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे मिला अनएक्सपेक्टेड, भाई यहां 12 कैसे आ गया? ये पहले तो ओएच लगाओ बेटे, यहां कैसे आ गया आपका ओएच? तो या यूं कहिए कि सीएल तो कौन से कार्बन जुड़ा हुआ था? सी 14 के साथ। भाई ये प्रोडक्ट तो मुझे समझ में आ रहा है, ये कैसे बन गया भाई? क्या कार्बन एक्सचेंज हो गया? ऐसा तो नहीं होता किसी रिएक्शन में कि वो सी एस टूट के उधर आ जाए और वो उठ के उधर आ जाए। देखते हैं, आ जाओ सी एस थ्री, ठीक है, एस सी एस टू सी एस टू सी एल। ये था 12 वाला बेटे और ये 14। यहां कोई डाउट? क्या होगा? लॉन पेयर आएंगे, कहां टैग करेंगे? जिसके ऊपर सीएल जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। क्या बार भाग गया? सीएल नेगेटिव। ओके देखो बेटे, सी एस थ्री एस सी एस टू कौन सा था? ये 12 और ये सी एस टू कौन सा है? 14 और यहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब आपके पास ओएच नेगेटिव है, वो अटैक करेगा, बोलो। अब कहां टेक करता है बेटे वो ओएच नेगेटिव? ध्यान से बच्चों, क्या वो जरूरी है इसी कार्बन पर टेक करे? यदि मान लो यहां अटैक करता है, जिस जहां सील जुड़ा हुआ था लेट, वहां अटैक कर गया तो ये बोन टूट गया, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? सल्फर के पास वापस आ गए। तो ये प्रोट कौन सा बना? इसने प्रोट दिया आपको ये ए मान लेता हूं, ये बी, तो इससे बन गया प्रोडक्ट ए। बताओ बेटे क्लियर हो रहा है? श्योर? अब बेटे ओएच नेगेटिव यहां भी तो टेक कर सकता है, बताओ। यहां टेक कर दिया तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा सल्फर का, तो इलेक्ट्रॉन ये लो, ये आ गए। हां जी, यहां टेक मत करा ना बेटे, स्ट्रेंड अटैक या तो यहां या यहां, कहीं यहां टेक कर दो, ठीक है ना? बोलो मेरी बात समझ में आई आपको? अब यदि OH यहां जुड़ेगा तो कौन से कार्बन के साथ जुड़ गया? CH2 12 के साथ। देखो CH3 S, फिर क्या लिखोगे? CH2 कौन सा? 14। फिर ये लिखोगे CH2 12 और इसके साथ क्या जुड़ गया? OH। तो ये एक प्रूफ नहीं हो गया मेरे पास, ऐसा ना तो SN1 में देखा था हमने ना SN2 में कि कार्बन शिफ्ट हो गए हूं ऐसे, ये तो कोई केस था ही नहीं ना अपना, बोलो। तो ये प्रोडक्ट बनना प्रूफ है क्या कि सल्फर ने रोल प्ले किया है? बताओ बेटे, आ गया समझ में? बस यही सब कुछ। ले एग्जांपल, और 5-7 एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल से नहीं है बेटे आपके लेवल पर, ठीक है ना? चलो अब जैसे एक मैं आपको डाटा देता हूं, मेरे पास ये है PHS CH2 CH2 Cl और बेटे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl। मुझे इनकी रिएक्शन करवानी है एक्वस KOH के साथ, इसकी भी रिएक्शन करवानी थी कि एक्वस KOH के साथ इसकी भी। तो बेटे डाटा ये कह रहा है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है 600 गुना फास्ट, 600 टाइम फास्ट रिएक्शन हो रही है। किसकी वजह से? सल्फर। वही सल्फर की वजह से। पहला ही क्वेश्चन तो है यू का यू, वहां क्या लिखा हुआ था? इधर CH3 था, बाकी तो सारा सेम है। प्रोडक्ट बना लेंगे, ऑब्वियसली क्या होना है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इस इसका जरूर ध्यान रखें। बढ़े आगे, ठीक है? नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। तो कौन कौन रोल प्ले कर सकता है? नाइट्रोजन यहां पर हेटरो एटम हो सकता है, जनरली तीन है मेरे पास, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर, मेन आपके तीन आते हैं बेटे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल ले ले, जैसे ये है बेटा OTS, क्या है? क्लियर है? टोसाइलेट, एंड इट इज अ कौन सा ग्रुप? क्या बताया था?
सुपर लिविंग ग्रुप, ध्यान आ रहा है? ठीक है, चलो बेटा रिएक्शन करवाई मैंने ओ सी एस थ्री के साथ, सी एस थ्री ओ एच ले लिया मान लो मैंने, तो ऑब्वियसली इसकी जगह ये लग जाएगा आकर, क्या बनाएंगे प्रोडक्ट यहां पर, एक काम करते हैं प्रोडक्ट बाद में बनाएंगे, देखते हैं कि होगा क्या। ठीक, हाँ जी बेटा, आज सबसे पहले ये लॉन पेयर अटैक ऑन दिस कार्बन, बोलो, और ओ टी एस आपका बाहर, क्लियर है? ठीक है, अब क्या हुआ, यहां आया ओ सी एस थ्री, इधर कुछ भी नहीं है, यहां कौन है बेटा, सी एस थ्री एच एच एच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो तरफ से वो अटैक कर सकता है, हाँ जी बेटे, वही जैसे आपने C12 C14 अटैक नहीं किया, ओ के साथ ये कार्बन रहा, ओ के साथ ये कार्बन रहा, बोलो क्लियर है? अब क्या होगा बेटे, यदि CH3 यहां अटैक करता है बच्चों, वही करना है, यू का यू बिल्कुल सेम है सारा, तो यहां से बॉन्ड तोड़ो और इलेक्ट्रॉन किसके पास ले जाओ, ऑक्सीजन के पास, तो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या बना, ये रहा जिस साइड OTS था लग गया कि हमने क्या करना है, हां जी बेटे कोई डाउट? ठीक है, क्या ये CH3 ओ नेगेटिव यहां भी तो अटैक कर सकता है? प्रॉब्लम क्या है, है बेटे? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूं क्या दिक्कत है, यहां भी तो अटैक कर पाएगा ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, अब यहां से बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है, तो अब क्या बनेगा बेटे, यहां CH3 है, यहां H है, और कौन आ गया, OCH3, बोलो, ओ CH3, कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो बताओ, ओ सी एस थ्री यहां जोड़ दिया तो ये रहा, ओ सी एस थ्री मैंने यहां जोड़ दिया तो ये रहा, यहां जोड़ते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक, यहां जोड़ते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक, बस मेजर कौन, राइट दिस वन, ये आपका मेजर है बेटे, ये समझना है अब आपको, ये माइनर है, क्लियर? यस सर। स्टीरिक फैक्टर क्या लगाओ, एक तो यहां दोनों एच थे, यहां एक सी एस थ्री और एक एच था, ऑब्वियसली यहां ज्यादा अटैक कर पाएगा, कोई डाउट है? नो सर। सेकेंडली न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है बेटे, जिस न्यूक्लियोफाइल को जिस साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा बेटे वहीं तो अटैक करेगा। यहां देखो CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई, आई बोलो बेटे, यहां आर पर दोनों समाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा इसकी तरफ, तो बेटे इसका पॉजिटिव चार्ज कम करेगा या ज्यादा करेगा, बोलो कम करेगा, यहां दोनों कौन है, एच है, तो दोनों चीजें होगी ना, क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी कम है, दूसरी बात यहां भीड़ भी है, स्टीरिक इंड्रेंस भी आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक यहां नहीं कर पाएगा, वो यहां अटैक करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, बताओ बेटे, आसान है, बढ़े आगे। चलो और एग्जांपल देखिए, मेन तो बेटा एग्जांपल्स का ही है सारा, ठीक है ना, चलो हाँ, जैसे ये एग्जांपल दे रखा हमने, एक CH3 CH2 CH3 HBr, आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे क्या करेंगे, ये अटैक करवाओ, Br नेगेटिव बाहर लेकर जाओ, CH3 ये बॉन्ड इधर, CH3 एच इधर, CH2, क्लियर है? ओके, यहां चार्ज कहां कहां अटैक करेगा अब, या तो इधर या इधर, बोलो, अब मेजर पर आ जाओ, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, एक्सटर्नल नीचे वाले के पास, यहां अटैक करेगा बेटे, यहां क्या है,
स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये बॉन्ड तोड़ो और ये यहां ले जाओ, तो एन सी एस थ्री देन बेटे सी एस टू और क्या लग गया यहां पर न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर ये सी एस थ्री एंड एच। ओके एक मिनट, यहां से तो बॉन्ड टूटा है ना बेटे, सॉरी अब ठीक है बोलो क्लियर है ना भाई, ये तो बॉन्ड तोड़ दिया ना आपने, तो ब्रेक करो दिस बॉन्ड, यानी क्लोरोफाइल आ गया, मुश्किल है चले आगे। हां जी बेटे, अब मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा था कि ये आपके क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, कौन कौन, नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CH3S है बेटे, ठीक है, या SH ले लो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मान लो BR है, पहली बात क्या ये एंटी है, है ना, तो वही काम करेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसे चलते जाएं, ठीक है बेटे, सब की सब रिएक्शन में ऐसा ही होना है, ठीक है, यहां आ गया S, ये बॉन्ड बन गया इसके साथ, बोलो इधर कौन था H, इधर कौन था H, और कौन जुड़ा हुआ इसके साथ CH3, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, बोलो ठीक है, अब कौन आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए Y नेगेटिव आ रहा है, अब यहां अटैक करेगा तो प्रोडक्ट S CH3 Y H H, बोलो बेटे वो यहां भी तो अटैक कर सकता है, बोलो तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बात तो एक ही है, यहां क्या आ गया बोलो, हाँ एक सेकंड बेटे, ठीक है यहां कौन है अब CH3 S, यहां पर Y H H, स्टार्टिंग में भी क्या थे ये एंटी, अब भी क्या मिलेंगे एंटी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एनी डाउट, ओके। अब आपसे कहें ध्यान से, यदि ऐसा हो भाई, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है, एस सी एस थ्री और सी एल या बी आर, बेटे यहां पर एनजीपी अब रोल प्ले नहीं कर सकता, सेम साइड हो गए बेटे, रिपल्शन हो गई, या ही नहीं पाएगा इस भाषण में आ गई, पर अब लिख दिया कि वाई नेगेटिव, तो क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बी आर नेगेटिव बाहर, जब अब इसका रोल नहीं है तो बाहर से आएगा, वो तो रोल प्ले करेगा अपना, बासन माई ना, अब ये रिएक्शन कौन सी है, अब सिंपल SN2 बेटे, अब क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखो देखो क्लियर हुआ, एनजीपी नहीं है, या यूं कह लीजिए यदि एनजीपी ग्रुप और लिविंग ग्रुप सिस है, तो बेटे वहां पर एंकीमेरिक असिस्टेंस या ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, तो वहां नॉर्मल SN2 होगी, क्लियर है बच्चों, चले आगे। ऐसे ही और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए बेटे ये ले लिया मैंने, अभी क्या बताया हमने, क्या होना चाहिए एंटी होना चाहिए, तो SCS3 यहां पर है, वही BR, ठीक है बेटा मस्ट बी एंटी, यदि आप रेट कंपेयर करें ना, मैं आपको डाटा दे रहा हूं एक, इसकी स्पीड इससे 70,000 गुना ज्यादा है, 70,000 टाइम्स, इतना बढ़िया है ये अपना, इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है ओके। वैसे यहां पर क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पर फिनाइल ग्रुप है, बात है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं,
पर सिर्फ डाटा में, डाटा की जो वैल्यू है उसमें फर्क हो सकता है। अब क्या करेंगे, अटैक करेंगे बी आर नेगेटिव। मैंने आपको समझा रखा है साइक्लोहेक्सेन में, अभी जो पीछे एग्जांपल आपने वही ले रखा था ना, साइक्लोहेक्सेन में यदि दोनों एक्स एक्सियल पोजीशन है तो क्या होता है, एंटी ट्रांस। बोलो yes, क्यों, एक डाउन एक अप, भूल गए no, तो सिंपल है। तो ये ऑब्वियसली कौन सी पोजीशन शो कर रहे हैं, ट्रांस बेटे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सारा सेम चलेगा। बी आर नेगेटिव तो बाहर आ गया, ठीक है, यहीं कर देता हूं मैं। एस का और इसका बॉन्ड बनेगा ना, हाँ जी बेटा, और यहां पर पॉजिटिव, बोलो कुछ किया हमने, देखो ना एस और जहां बी आर जुड़ा था भाई, इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव था ना, इसने यहीं तो अटैक किया था ना, बी आर नेगेटिव तो बाहर आ चुका है। अब बॉन्ड किसका बनेगा, सल्फर का और इस कार्बन का, सल्फर का और इस कार्बन का, नहीं क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव आएगा, मान लीजिए वो कहां अटैक कर देगा, अब इस पर अटैक कर देगा उठा के वापस इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या करेंगे बेटे, वही एस पीएच और यहां क्या आ गया, बताओ yes, सभी में एक ही प्रोसेस है, पहले बैक साइड से अटैक करवाओ, फिर ये देखो किस कार्बन पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है उसी पर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, खत्म इन एवरी क्वेश्चन। चले आगे yes, अब बेटे कई बार रिंग एक्सपेंशन में भी हमारी हेल्प करता है ये, कैसे देखो, रिंग एक्सपेंशन एग्जांपल ले लेते हैं, रिंग एक्सपेंशन कैसे, इसे एग्जांपल देखिए, वी हैव दिस एग्जांपल सीएल, ये मेरे पास एग्जांपल है बेटे, करना क्या है भाई, नजदीक तो है ना, अटैक करा देंगे सीएल नेगेटिव बाहर, फर्स्ट स्टेप इज दिस, ठीक है। अब क्या होगा, यही होगा और क्या, हाँ जी सी एस टू, बोलो बेटे, अब सुनो फिर दो चांस हैं, क्या दो चांस कौन से, भैया जो न्यूक्लियोफाइल है यहां अटैक करेगा तो यहीं से बॉन्ड टूट गया आपका yes, बताओ yes, जिस कार्बन पर उसको अटैक करना है उसी के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ो, वही तो आपको ब्रेक करना है, गेटिंग मी और नॉट, ठीक। तो बेटा ये तो बना दिस, ये लो ये न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। अब दूसरा चांस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आए वो इस कार्बन पर अटैक करे, तो यहां से बॉन्ड टूट गया बेटे, जिस कार्बन पर टेक करना है उसी का नेबरिंग ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक, क्लियर है yes, बेटे जी यदि बॉन्ड यहां से तोड़ दिया तो देखो ना रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी yes, yes, नहीं आया ना समझ में, आ गया ए ये लो बताओ yes, और यहां किसको जोड़ दोगे आप, अब न्यूक्लियोफाइल को, बताइए बेटे yes, क्या सिक्स मेंबर नहीं बन गया, अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, एक कार्बन छोड़कर क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, समझ में आया रिंग एक्सपेंशन, मुश्किल है no, पक्का yes, चले आगे अब जैसे बेटे बस अब तीन क्वेश्चन और करवाते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो बेटे ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब लेंगे। मुझे बेटे रिएक्शन करनी है HBr के साथ, तो ऑब्वियसली कौन न्यूक्लियोफाइल, Br नेगेटिव, किसको बाहर हटाना है, OH नेगेटिव को, बोलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट मैंने बना दिया
यहां बी आर, यहां बी आर सी एस थ्री, एच एच सी एस थ्री। इसने काम किया नेबरिंग ग्रुप का, ये कौन था आपका लिविंग ग्रुप। अब ये क्या कह रहा है, जिस साइड लिविंग ग्रुप है उस साइड से आपको एक्शन न्यूक्लियोफाइल को लेके आना है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कैसा कंपाउंड बना, मेजो कंपाउंड, क्लियर। क्या ध्यान का रखना है, वही बेटे नेबरिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए थे। हाँ जी, ये आपका कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमेशा किस फॉर्म में होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में, याद है या नहीं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, लिस्ट स्टेबल है बेटे। अब इसका यदि मैं बनाऊं तो देखना एक बार, ओ एच एच सी एस थ्री कौन आ गया, बी आर सी एस थ्री एच। क्या करना पड़ेगा मुझे, एंटी लेके आने पड़ेंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, सी टू को रोटेट कर दूं। बोलो भाई मर्जी आपकी, सी वन को ऊपर ले जाओ टोटली, ये लो सी वन किसके कैसे घुमा दोगे 180, ठीक है। तो यहां कौन गया सी एस थ्री, यहां कौन गया ओ एच, इधर एच, यहां इधर कौन है बेटा, अब सी एस थ्री, हेयर बी आर एंड हेयर एच। बोलो बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो श्योर। चलिए इधर सी एस थ्री है, इधर ओ एच है एंड इधर एच है, ये सी एस थ्री है, ये बी आर है और ये एच है, एंटी हो गया। इसको ना एक काम करो, सुनो सुनो, ठीक है ये गलत नहीं है डोंट वरी, पर मैं आपको समझाना कैसे चाहता हूं, देखो एक बार आपको इजी कैसे समझ में आएगा। बी आर को लेकर आओ, ठीक है ना, किसको लेकर आओगे, बी आर को लेकर आओ। अब कहोगे सर उसमें क्या दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम कुछ नहीं, टेंशन मत लो, यहां आया बी आर, यहां आया सी एस थ्री, है तो वही, ठीक है कोई चेंज नहीं बेटे। देखो अब ओ एच, ठीक है यहां बी आर, सिर्फ साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाने में आसानी हो जाएगी, बस इसलिए किया मैंने, और कोई इशू नहीं है बेटे। एच बी आर है, बोलो वैसे ये रिएक्शन अभी आपने की नहीं है, ठीक है पर वैसे बता देता हूं, तो ये एच पॉजिटिव तो इस पर अटैक कर जाएंगे, समझ लीजिएगा एक बार, यूं लगाओ नेक्स्ट लेक्चर यही है आपका, ठीक है बेटा। सी एस थ्री ओ एच एच, बताइए क्या यहां तक कली रहा, समझ मारा, एलोन पेयर ने ये एच पॉजिटिव अटैक कर दिया, क्यों कर दिया, एस टू वो बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, ओ एच नेगेटिव नॉट गुड लिविंग ग्रुप, कौन है वॉटर। अब ये बी आर अपना रोल प्ले करेगा, यहां अटैक करेगा और वाटर को बाहर भगा देगा, बोलो क्लियर है। आप सुनो एच, यहां एच था सी एस थ्री था, सी एस थ्री था और ये क्या बन गया अब साइक्लिक, बोलो अब मेरे पास बी आर नेगेटिव है, हाँ जी तो क्या बना, देखो सी एस थ्री, सी एस थ्री यहां क्या आ गया बी आर, इधर 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 सेंटर ऑफ सिमेट्री लग रहा है, ये रहा बेटे सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर कैसा कंपाउंड है मीजो कंपाउंड, ये रहा मीजो कंपाउंड, आया सारा प्रोसेस समझ में, श्योर चले आगे, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रखा था बेटे, लेट मी सी दिस इज पेज नंबर 6-7, साफ कर दूं, yes, sir.
यहां दे दिया बेटे इधर H है, इधर OH है, वही एच बी आर के साथ रिएक्शन करनी है। करना आपको क्या है, कुछ नहीं करना, जहां OH है उसको कहां लगाना है, उधर बी आर लगाना है। मेरी टेंशन तो रखनी है ना आपको, ये आपका लिविंग ग्रुप था, इसको बाहर भागना है, हेल्प कौन कर रहा है आपका, बी आर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन सबसे आसान है बेटे। जिस साइड OH है उसी साइड आपको क्या लगाना है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। कर पाएंगे? Yes, sir. तो इसमें मैं हिंट दे देता हूं, इसको कैसे बनाएंगे, इधर CH3 OH, इसको बेटे करें आप अपने आप, ठीक है बच्चों, सारा वही है। क्या करेंगे, OH एंड BR क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, इस तरह आपको रोटेट करना है। कैसे करेंगे, हाँ बेटे भाई, OH को मैं यहां ले आऊं, BR को यहां ले आऊं, बात तो एक, सर आप यहां क्यों लेके जा रहे हो, यहां ना ले आओ, हाँ भाई वो इसलिए बेटे आपको साइक्लिक बनाने में इजनेस हो जाएगी। इसमें क्या करके देखेंगे, C1 को 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, और C2 को 120 डिग्री क्लॉकवाइज, देखें क्या हो जाएगा भाई, बोलो। देखो यहां OH, यस, हाँ बेटे CH3 H, अब इधर 120 घुमाना है तो ये कहां जाएगा, yes, नहीं आया समझ में, yes, और ये CH3 इस साइड, बोलो क्लियर है, yes, अच्छा फिर देखो ऊपर कौन, इधर OH, यहां कौन है BR, इधर हाँ जी बेटे H, इधर CH3 क्लियर है, yes, यहां पर इधर CH3 इधर H, ये क्या लिखा है, सॉरी H, कर लेंगे अपने आप, आगे वही है, H पॉजिटिव का टेक कराएंगे, BR इसको बाहर निकाल दे, बिल्कुल सेम है, तो आपका ये बन जाएगा। तो करके देख लेना इसको, या करें, ठीक है चलो। तो लास्ट है बेटे, तो यहां तक मैंने एग्जांपल लिए आपके, जहां पर हेट्रो एटम ऑक्सीजन था, सल्फर का एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन एग्जांपल लिया, यहां हैलोजन एग्जांपल लिया, BR किसका काम कर रहा था आपका, नेबरिंग ग्रुप का। अब बेटे पाई बॉन्ड्स भी आपके नेबरिंग ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है, कैसे, CH2 BR, ठीक है, यही स्टार बना लिया हमने, है बेटे। अब यहां पर देखो कोई हेट्रो एटम तो नहीं है, yes, तो यहां पर जो पाई बॉन्ड होते हैं बेटे वो आपकी हेल्प करेंगे नेबरिंग ग्रुप में, BR नेगेटिव बाहर, क्या होगा देखो, CH2, ठीक है, इधर CH2, ओके, और ये आपका बॉन्ड बन गया, हाँ जी, क्या इतना समझ में आता है, पक्का, अब डबल बॉन्ड, इधर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने ले लिए, हाँ जी। अब बेटे न्यूक्लियोफाइल की मर्जी, उसने यहां टेक कर दिया तो ये बॉन्ड टूट गया और वापस इलेक्ट्रॉन इधर, बोलो बोलो, yes, पक्का, yes, ये आया क्या समझ में, yes, तो क्या बनेगा, CH2 CH2 Y, ठीक है, yes, अच्छा बेटे यदि इस Y नेगेटिव ने यहां टेक कर दिया तो, yes, बोलो, yes, बॉन्ड टूट गया यहां से, अब ये बॉन्ड इधर, तब क्या बनेगा, अब सुनो, CH2 CH2 स्टार और यहां पर पाई, रीअरेंज प्रोडक्ट है, देख लो, yes, सबसे पहले भी एग्जांपल दिया नहीं था मैंने आपको ऐसे ही, yes, यहां भी ऐसे ही,
कोई डाउट हो तो बताइए. नो सर. श्योर. तो बेटे डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. तो बेटा आज का टॉपिक बच्चों अपना यहीं तक था. कंपटीशन में कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते इस टॉपिक से बेटा, फिर भी नॉलेज के लिए आप इसको समझ लीजिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी. थैंक यू बेटे.